तो वही अजमेर में सैलून मालिक ने ऑनलाइन नेल पॉलिश मंगवाई, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी की गई है, जिसके बाद उसने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सैलून मालिक राधेश्याम ने बताया कि उसने 3,550 रुपए की एक ऑनलाइन कंपनी से नेल पॉलिश मंगवाई, जिसका ऑनलाइन पेमेंट भी हुआ, लेकिन बाद में जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आया तो उसने 850 रुपए और मांगे। तभी पीड़ित राधेश्याम को शक हुआ तो उसने कोरियर वापस रिटर्न कर दिया, साथ ही कंपनी से पैसा वापस मांगा तो कोई जवाब नहीं आया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने अब इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। रात को मैसेज भेजा कि कुरियर चार्जेस आपके 850 होते हैं और ब्लू डार्ट से इतने। मैं आई वॉज सरप्राइज कि मैं 850। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप। मैंने कहा मेरा आप ये कैंसिल कर दें आप ऑर्डर भाई। 50, 100, 200 इतना तो फिर भी मुझे समझ में आता है, हैं 10 नेल पॉलिश के लिए ये 850 कौन सा हुआ। तो अभी वो पैसा वापस करने को भी तैयार नहीं है। और न तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि शायद इस तरह के जब भी आप पेमेंट करते हैं तो बहुत केयरफुल होके करें। तो वही जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामानिया ने प्रतापगढ़ के धारियावाद में विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई की। उन्होंने सिहाड़ ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इसके लिए आमजन जागरूक रहे और योजनाओं का लाभ ले। प्रभारी मंत्री ने केसरपुरा और वजपुरा में भी जनसुनवाई की। इस अवसर पर जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा, विधायक रामलाल मीणा भी मौजूद रहे। तो वही रायसिंह नगर पालिका में कर्मचारियों ने राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन बैनर के तले एकत्रित होकर नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने और कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने की धमकी देने का आरोप लगाया। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी लाजपत विश्नोई को भी ज्ञापन सौंपा गया। तो वही पालिका उपाध्यक्ष डाबी ने कहा कि एक भी आरोप साबित होने पर तुरंत प्रभाव से उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो वही प्रदेश भर में स्कूल के सत्र शुरू होने के साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहट की शिक्षिका कविता राजपुरोहित और तारा झनवर लोगों को स्वच्छता, कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक कर रही हैं। तो वही बच्चों को कोविड से सुरक्षित रहने के लिए गाइडलाइन के नियम भी बताए गए। स्कूल स्टाफ की ओर से अभिभावकों से डोर टू डोर संपर्क कर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो वही कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। अजमेर शहर के प्रतिष्ठित निजी स्कूल सरकार के फीस नहीं बढ़ाने के आदेश के बावजूद स्कूल प्रशासन 10% तक फीस बढ़ाकर ले रहे हैं। तो वही दूसरी ओर पहले 3 महीने की स्कूल फीस एडवांस ली जाती थी, उसे बढ़ाकर अब 6 महीने की एक साथ लेने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल के आदेश के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वही किशनगढ़ शहर में भी अभिभावकों ने वाहन रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इफेक्ट है ना, ये लोग जब सेशन स्टार्ट किया था तब ये हमको बता सकते थे कि मार्च तक की इतनी फीस है, 25% ऑफ है। अब ये बोल रहे हैं कि अब ना मार्च तक की जो फीस हम लोगों ने पहले डिपॉजिट कराई थी ना 2020 में, बस उसी तक था 25%, अब नहीं है। और अब जब 15% करना चाहिए, 15% ना करके उन्होंने 10% इंक्रीज कर दी है वो, और फिर 5 अक्टूबर तक फीस को डिपॉजिट कराने को भी बोला है। इसमें जो इन्होंने बढ़ोतरी करी है 10% की इस कोरोना काल में, एक तो हमारा उसका विरोध है, दूसरा एकेडमिक सेशन 12 महीने का होता है, ये 15 महीने की फीस वसूल रहे हैं। 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका 12 महीने की जगह ये 15 महीने की फीस वसूल रहे हैं। दूसरा इन्होंने जो फीस पहले 3-3 महीने की हमसे ले रहे थे, अब इन्होंने उसको 6 महीने ही कर दिया है, जो कि इस कोरोना काल में 6 महीने की फीस भरना अब हर किसी आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। कैसे ना कैसे करके आज हम यहाँ पर फीस जमा करा रहे हैं। तो वही सुमेरपुर में कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच सत्र में फीस वृद्धि की गई है, जो कि सरासर गलत है। प्रवेश के समय ली गई फीस पूरे कोर्स के लिए होती है और इसी बीच सत्र में फीस वृद्धि करना छात्रों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार डालना है। तो वही कॉलेज प्रशासन से वार्ता के बाद आश्वासन मिला, जिसके बाद इस धरने को समाप्त किया गया। Yeah.
बच्चों को ये कुछ बच्चों को एक दो बच्चा कोई गुमराह कर रहा है, फोटो के शौकीन होने की वजह से रात को आकर के एक फोटो खिंचवा के आपके प्रेस में दे दिया। बाकी फीस बढ़ोतरी हुई नहीं है, बाकी सारी कॉलेजेस फीस भर रही है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत जो आने वाले कॉलेजेस है सब में फीस भर रहे हैं। कुछ इश्यू में बच्चों को जो शंका थी उनको समझा दिया गया, बच्चे अभी आपके सामने ही संतोष होकर के गए, संतुष्ट होकर गए हैं। तो ये प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंद्रा शुक्रवार को जोधपुर संभाग के दौरे पर पहुंची। शास्त्री नगर स्थित स्टील भवन में भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुंद्रा ने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को रोकने में सरकार विफल है। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर आंदोलन करती रही है। प्रवास के प्रक्रिया के तहत मेरा यहाँ आना हुआ है। ये संगठनात्मक दौरा है जिसमें बहनों से मिलना, क्योंकि नई टीम का गठन होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है प्रदेश की महामंत्री बहन इंदिरा जी राजपूत स्वयं यहाँ से हैं, तो इनके साथ बैठ करके कुछ विशेष चर्चाएँ भी पूरे संभाग में मैं जाने को निकली हूँ और सभी जगह कुछ समय अपनी बहनों के बीच व्यतीत करना चाहती हूँ। तो हम लोगों की रीति नीति आगे काम किस तरह से आगे बढ़ाना है, किन विविध विषयों को हमें शामिल करना है, ये सारी इसके चर्चात्मक है। तो वही बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी और मेड़ता के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राम अवतार जाट ने पादुकला में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और कोविड गाइडलाइन पालना के निर्देश दिए। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने संस्था प्रधानों और शिक्षकों से वार्ता भी की, साथ ही बच्चों से कोविड गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। तो पाली के सुमेरपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य केंद्र में मरीज और उनके परिजन बिना मास्क के ही घूमते दिखाई देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसी मुद्दे पर बीसीएमओ गोविंद सिंह का कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। उन्होंने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की। लोगों को जागरूक करने के लिए हर जगह कैंप लगा रखे हैं और घर घर का डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं। उसमें सब चीज़ें उनको सिखा रहे हैं कि कैसे हाथ को सैनिटाइजर करना है, मास्क लगाना, दो गज की दूरी कैसे रखनी, यानी छः फीट दो के बीच में गैप रखना, वो सब हम डोर टू डोर घर जा जा के हम लोगों को बता रहे हैं। और बाकी तहसील लेयर की हमारी पूरी तैयारी है, सरकार की तरफ से हमें पूरी गाइडलाइन मिल रही है और हम इसलिए इनके लिए पूरे प्रिपेयर है और हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास में, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हर बीएससी सीएससी लेवल पे सारी ऑक्सीजन और कोरोना से रिलेटेड सारी मेडिसिन अवेलेबल है। तो वे अजमेर के विजयनगर में पूर्व पार्षद पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार न करने से आक्रोशित लोग अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि आरोपियों ने सूर्या गैंग के नाम से आतंक मचा रखा है और पुलिस की भी इसमें मिलीभगत है, ऐसे में इनकी गिरफ्तारी तत्काल की जाए, साथ ही आरोपियों के खिलाफ दर्ज कई मामलों को देखते उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सुरेश गुर्जर और कालू गुर्जर की ओर से सूर्या गैंग के नाम से लोगों को डराना, धमकाना और जान से मारने के प्रयास किए जाते हैं और इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। और ये इसकी पूरी गैंग और इसको जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि व्यापार में पूरा विजयनगर का व्यापार तबाह हो रहा है और सारे व्यापारी, सारे 36 कौम के लोग इन लोगों से दुखी हैं। इसलिए निवेदन किया हमने एसपी साहब से कि इनको तुरंत गिरफ्तार करें। एक अपराधी सुरेश गुर्जर नाम के और कालू गुर्जर सूर्य गैंग के नाम से जो एक शांतप्रिय नगरी है विजयनगर में, उन्होंने आतंक मचा रखा है और आए दिन कई प्रकार के अपराध करके जमीनों पर कब्जे करना, आए दिन गाड़ी चढ़ा देना किसी पे, धमकाना, 307 इस प्रकार के आदतन अपराधी है जिनके ऊपर 10 से 12 केस चल रहे हैं और हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
तो वही डूंगरपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर महासंघ ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की। इस मौके पर महासंघ के जिला अध्यक्ष धनेश्वर पंड्या ने बताया कि जिले में लूटपाट और वाहनों पर पथराव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। रात में लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले लोगों पर पथराव किया जाता है, लूटपाट की जाती है और यहां तक कि अपराधी बेखौफ होकर घरों में घुसकर मारपीट और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि चुरू से लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने तारानगर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बिजली, पानी और सिंचाई की समस्याओं को लेकर जनसुनवाई की। लोगों ने इस दौरान अपनी समस्याओं से सांसद को अवगत करवाया। विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश जांगिड़ ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र की समस्त समस्याओं के बारे में कसवा को बताया। सांसद कसवा ने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। आज तारानगर के अंदर हमने जनसुनवाई का प्रोग्राम किया है। पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक सांसद के रूप में हम हर एक दिन कोशिश कर रहे हैं कि महीने में एक बार हम तहसील लेवल पर जाके जनता की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करने की कोशिश करें। तारानगर के अंदर आज जनसुनवाई में सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वो पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत है शहरों के अंदर भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। तारानगर तहसील के अंदर अपनी योजना का पानी 25 साल पहले आया था, व्यवस्था सारी जर्जर पुरानी हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत जो गांव-गांव के अंदर पानी पहुंचाना है घर घर तक, उसी के तहत की मॉनिटरिंग के लिए मैंने इन साहब को कहा कि आप रिपोर्ट बना के दें कहां-कहां नई नई SLR आएंगी और कर्मशाला के अंदर जहां से हमारे को पानी का सोर्स मिलता है वहां पे पानी की कैसी पोजीशन है, कितना पानी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि पानी हमें कम मिलता है, अधिकारियों से बात हुई है तो बड़ी अनियमितता से नज़र आती हैं। अगले हफ्ते कलेक्टर साहब के साथ में तारानगर तहसील की पीने की पानी की समस्या को लेकर एक मीटिंग करके। खबर जयपुर के फुलेरा से है, जहां फुलेरा सामर रेलखंड पर स्थित संपार फाटक की जगह रूट ओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। इसके लिए फाटक को बंद किया गया है, लेकिन फाटक बंद हो जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल फुलेरा कस्बे के मध्य से रेल लाइन गुजरने से कस्बा दो भागों में बट गया है। ऐसे में एक तरफ के लोगों का आवश्यक सेवाओं, स्कूल, अस्पताल आदि सरकारी कार्यालय तक आना जाना भी दूभर हो गया है और इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वैकल्पिक व्यवस्था करने की गुहार लगाई। और वो भी फर्स्ट पे ये जो पुल बन रहा है इसके संदर्भ में आज इन्होंने बिना उसके ही एकदम फाटक बंद कर दिया। चलो माना उन्होंने सूचना दी, लेकिन हमसे इनके अधिकारियों से इनके ठेकेदार से आज से 3 महीने पूर्व बात हुई थी कि इन्होंने ये कहा था कि पहले हम अंडरपास बनाएंगे उसके बाद में हम फाटक बंद करेंगे और इन्होंने तुरंत प्रभाव से फाटक बंद कर दी और फाटक भी ऐसे बंद करिए कि अब ये मान लो कि क्या स्थितियाँ आप देख रहे हो, कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं और ये फाटक वापस खुले और अंडरपास बनने के बाद ये फाटक बंद हो। तो पश्चिम बंगाल के बागडोरा में तैनात वायुसेना के जवान 23 वर्षीय अमित बिजारणिया का आज सीकर जिले के रिंगस में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इससे पहले जयपुर से पहुंची वायुसेना की सैन्य टुकड़ी ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और इसके बाद परिजनों और गांव वालों की मौजूदगी में मालाकाली के पैतृक शमशान घाट में अमित का अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि के दौरान जवान को मास्टर वारंट ऑफिसर गुलाब चंद स्वामी के नेतृत्व में जयपुर से 33 जवानों की सैन्य टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी थी। शमशान घाट में जवान अमित बिचारणिया को पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुभाष मील, खंडेला पंचायत समिति के प्रधान डॉक्टर गिरिराज सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष फूलचंद बाजिया, मालाकाली सरपंच धर्म सिंह बिचारणिया, सहायक उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह तंवर, महेंद्र झाकड़ और महिपाल सिंह खोकर ने पुष्प चक्र अर्पित कर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित थी। आपको बता दें कि अमित में 31 अगस्त को ड्यूटी के दौरान ही अपनी राइफल से खुद को शूट कर लिया था और आत्महत्या कर ली थी। ये भी बता दें कि जवान अमित बिजारणिया का विवाह 1 वर्ष पहले भोजपुर निवासी सुनीता देवी के साथ हुआ था, जिनकी 3 माह की पुत्री है। अमित 2 बहनों का इकलौता भाई था। माता संतरा देवी ने 20 वर्ष पहले पिता शिवपाल के निधन के बाद खेती बाड़ी करके पढ़ाई लिखाई करवा कर अमित को काबिल बनाया था। ग्राम मालाकाली के लाल अमित बिजारनिया जो एयरफोर्स में तैनात थे, ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। ये समाचार सुन के पूरा गांव स्तब्ध है और सबकी आंखें नम हैं।
उनका सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया जा रहा है और पूरे गांव को अपने इस लाडले पे गर्व है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिजनों को हिम्मत दे कि यह दुख सहन कर सके। डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्कर वेरी सिंसियर, इसकी ड्यूटी शुरू हुई थी, उसने गार्ड ड्यूटी पर था तो नॉर्मली वो बात कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ड्यूटी पर था 5 बजे सडन क्या दिमाग में आया आई डोंट नो ऑन ड्यूटी ये ऐसा केस हुआ है। कैसे क्या हुआ? ऑन ड्यूटी ऑन राइफल ऑन राइफल्स ऑन राइफल। फाउंडेशन राजस्थान के तत्वावधान में आदर्श विद्या मंदिर के संकल्प भवन में जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें वक्ताओं ने देश में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से इस विषय में शीघ्र कानून बनाने की मांग रखी। इस अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के चुरू इकाई के अध्यक्ष कमल सैनी ने फाउंडेशन के बारे में जानकारी दी और अतिथियों का बहुमान भी किया। तो झालावाड़ के बकानी में किसानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला सरपंच संघ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़ ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि अतिवृष्टि के चलते नष्ट हुई किसानों की फसलों का शीघ्र से शीघ्र मुआवजा मिलना चाहिए। राज्य सरकार का और प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो मुआवजा है उसे भी तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाकर किसानों के खाते में डलवाया जाए। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़ ने कहा कि समस्याओं का निदान 7 दिन के भीतर नहीं हुआ तो सरपंच संघ की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर बकानी सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश पाटीदार और जिला उपाध्यक्ष घनश्याम गुर्जर समेत कई लोग मौजूद रहे। तो वही आगामी त्योहारों के मद्देनजर बूंदी के कापरेन पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, साथ ही कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने की भी हिदायत दी गई। बैठक में सीएलजी सदस्य, शांति समिति, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखियां मौजूद रही। तो बीकानेर के खाजूवाला में किसान लंबे अरसे से फसलों के लिए पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने इस मामले की सुध तक नहीं ली है, जिसे लेकर अब किसानों में आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो चली है। आपको बता दें कि पौग डैम की स्थिति काफी चिंताजनक है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है तो वहीं अनूपगढ़ शाखा में अभी पानी छोड़े जाने को लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पानी देने में अपनी असमर्थता जता दी है, जिससे किसानों को खरीफ की फसल चौपट होने का खतरा नजर आने लगा है। इसीलिए वे अपनी बात अब आंदोलन के जरिए आला कमान तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो वह राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में हर घर औषधि योजना के तहत पौधों का वितरण किया जा रहा है, लेकिन वहीं झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान की पहल पर लोगों की जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी अब इन पौधों का वितरण किया गया। इस मौके पर डीएफओ आर के हुड्डा, सहायक निदेशक डॉक्टर जितेंद्र स्वामी समेत कई लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो अभियान चलाया गया है, खासतौर से 4 औषधीय पौधे दिए जा रहे हैं, तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय, जो बहुत ही लाभदायक और एक अकल्पनीय औषधि का कार्य करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पौधों के कोई धर्म नहीं होता, जैसे चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी सबके लिए समान रूप से लाभदायक है, उसी तरीके से ये औषधीय पौधे भी हर इंसान के लिए बहुत ही मुफीद और लाभदायक है। राज्य सरकार द्वारा जो घर घर औषधि योजना है उसके तहत आज हम दरगाह में यहाँ एकत्रित होके 2 हम ऑटो टिपर के माध्यम से 160 परिवारों के लिए ये 4 औषधीय पौधे वितरित किए गए हैं।
और लोगों में कुछ भ्रांतियां भी थी, वो भी हमने आयुर्वेद विभाग को साथ रखा है, पीआरओ को साथ रखा है और हमारी वन विभाग की पूरी टीम को साथ रखा है। घर घर जाकर लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है किस तरह से ये चारों पौधे बहुत ही फायदेमंद है, किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाते हैं। तो वही धौलपुर के डांग इलाके में हो रही बारिश ने जल संसाधन विभाग के लिए अब मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इसी के चलते पार्वती बांध के दो गेट खोलकर 2300 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। तो वही जिले सहित कैचमेंट एरिया में पानी की आवक लगातार होने से पार्वती बांध एक बार फिर से लबालब हो गया है। उधर बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक अधिक होने पर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। तो वही बाड़ी उपखंड का रामसागर बांध भी 10 वर्ष बाद पानी से लबालब नजर आ रहा है। इस बांध के लबालब होने के बाद रपट पर भी पानी की चादर चलने लगी है। अलवर में टीला वाले हनुमान जी मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पुजारी और उनके समर्थकों द्वारा पिछले कई दिनों से धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को एडीएम सिटी सुनीता पंकज के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान अधिकारियों ने मंदिर के आसपास अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित किया। एसडीएम प्यारे लाल ने बताया कि मंदिर के ट्रस्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने की शिकायत की गई है। तो वही अब स्थानीय लोगों को समझाकर मंदिर के रास्ते तक अतिक्रमण ना करने को लेकर पाबंद किया जाएगा। दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या का समाधान भी किया जाएगा। रामायणी हनुमान मंदिर के रास्ते को लेके जो ट्रस्ट के लोगों में और स्थानीय जो निवासी हैं उनमें जो विवाद हो रहा था उसका मौका देखा गया है और इसमें हम लोग वहां तक सुगम रूप से वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध हो सके इसके लिए प्रयासरत है। ये रूटीन प्रक्रिया है जहां इस तरह की चीज़ें जहां अतिक्रमण से संबंधित या कोई मेजरमेंट होता है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो चिरू की आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब 52,000 की अवैध शराब जब्त की है, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। कार की तलाशी के दौरान अवैध शराब के कार्टन भरे हुए मिले जिन्हें कार सहित जब्त कर लिया गया। जब्त अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 52,000 बताई जा रही है। खबर दौसा के सिकराय से है जहां घूमना बांध के आसपास पिछले कई महीनों में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। कई बार पैंथर मवेशियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। अब एक बार फिर सड़क किनारे एक मिट्टी के टीले पर पैंथर बैठा हुआ नजर आया, जिसके बाद कार सवार लोगों ने पैंथर का वीडियो बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह पैंथर का मूवमेंट होने से ग्रामीण भयभीत रहते हैं, लेकिन वन विभाग पैंथरों को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास नहीं कर रहा। तो वही प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। इस अभियान की सफलता के लिए 15 सितंबर से प्रिपेयर कैंप लगाए जाएंगे। डीएलबी की ओर से सभी निकायों को टारगेट भी दिए गए हैं और इसी को लेकर अलवर नगर परिषद को भी 2 अक्टूबर को 500 पट्टे बांटने का लक्ष्य दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने बताया कि अभियान की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लंबित पट्टों की फाइलों का निपटारा अभियान के दौरान ही किया जाएगा। साथ ही धारा 69A के तहत और सरकार द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइन के अनुसार अधिक से अधिक पट्टे देने का प्रयास किया जाएगा। संघ अभियान 2021 जो शहरों के संघ चलने वाला है, जिसमें नगर परिषद अलवर को प्रथम दिन 2 अक्टूबर के दिन 500 पट्टे जारी करने हैं। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। सभी फाइलें जो पुरानी हमारे पास में पड़ी हुई थी, पेंडिंग थी, जिनका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ था, उन सभी को निकलवा ली है। जिनमें से कई में तहसीलदार की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, वो आने के पश्चात में हम 2 अक्टूबर को पूरा 500 पट्टों का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण धारा 69A जोड़ी है, जिसके तहत में भी पुरानी आबादी क्षेत्रों में बसे हुए क्षेत्र हैं, जिनमें चाहे वो आबादी के हों चाहे व्यावसायिक हों, सबको पट्टे दिए जाने हैं। प्रयासों से प्रदेश के बिजली घरों में कोयले की आवक गत दिनों में काफी बढ़ी है। बिजली की मांग को देखते हुए प्रतिदिन 17 कोल रैक की आवश्यकता के स्थान पर कोल इंडिया एवं PKCL से 13 कोल रैक विद्युत गृहों को उपलब्ध हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अधिकतम बिजली की मांग 11,637 मेगावाट व खपत
244.6 लाख यूनिट दर्ज हुई है और इसीलिए बिजली की कमी को पूरा करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज में 12.72% बिजली खरीदी जा रही है। विभाग का दावा है कि बिजली की कटौती भी नहीं की गई और राज्य की बिजली उत्पादन इकाइयों में से 1 से 2 दिन का कोयला उपलब्ध है। विभागीय जानकारी के अनुसार आगामी मांग को देखते हुए सूरतगढ़ की 7वीं इकाई, कोटा की 1वीं द्वितीय इकाई को भी चालू कर दिया गया है। तो वहीं जोधपुर शहर में ब्लू सिटी लुक को फिर से लौटाने के लिए जोधपुर नगर निगम उत्तर के पार्षद ने पहल की है और भीतरी शहर में पंचमुखी बालाजी की तरफ जाने वाले पूरे रास्ते को एक नया लुक दिया गया है। ये नजारा पंचमुखी बालाजी का है और यहां की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर कुछ इस तरह की पेंटिंग बनाई गई है कि यहां से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति रुक कर इन्हें निहारता जरूर है। कहीं मांडने तो कहीं रंगोली तो कहीं माँ अपने बेटे के साथ बैठी यहां नजर आएगी। पार्षद धीरज चौहान बताते हैं कि जोधपुर अपना ब्लू सिटी लुक खो रहा था और इसी को फिर से लौटाने के लिए उन्होंने ये मांडने बनाए हैं। इतने सालों में पहले बार हुआ है, हमारे ये नए युवा पार्षद आए हैं, उन्होंने अपना योगदान देके कैसे करके हिम्मत करके काम करवाया है और मैं लगा पूरा उद्धार कर दिया है। एंटीक रूप है, अंग्रेज वगैरह आते हैं तो उनके लिए ये लुक अच्छा लग जाएगा और अच्छा एंटीक रूप होगा और देखने के लिए सीनरी और पुरानी कल्चर देखने को लोगों को मिलेगा। हाँ, राजस्थानी लुक है ही है, राजस्थानी लुक ही मिलेगा। क्या गांव में कैसा होता है, ये साफे पहनते हैं और वो अब तो है ही नहीं साफे वाला, कोई शहर में मिलता ही नहीं है, अब आपको यहाँ पे साफे वाला अगर आदमी मिलेगा। तो वही 9 सितंबर से विधानसभा के 6वें सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संगठन की ओर से विधानसभा के घेराव का भी ऐलान किया गया है। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायक भी आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत सहायक संगठन के प्रदेश संयोजक रामजीत पटेल ने बताया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों के नियमितीकरण का वादा किया गया था और पिछले 2.5 वर्ष में लगातार सरकार को उनका वादा याद दिलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वही डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्ट्रेट के आईटी केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, डब्ल्यूएचओ से डॉक्टर अक्षय व्यास व टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर के एल पलात व सभी ब्लॉक सीएमएचओ व अन्य डॉक्टर्स शामिल हुए। तो वही बैठक में कलेक्टर ने जिले में अब तक हुए कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी ली और इस दौरान सीमलवाड़ा, बिछीवाड़ा व गलियाकोट ब्लॉक्स में कम वैक्सीनेशन पर नाराजगी भी जताई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।